हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल, इंग्लिश क्लास फिफ्थ, लेसन वन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। रणजी वाज अप एट डाउन, इट वाज संडे, आई स्कूल हॉलीडे। रणजी क्या है? एक बॉय यानी एक लड़के का नाम है। अप एंड डाउन क्यों बोल रहा है यहाँ पर? कि जो रणजीत था ना, वो उसका संडे का दिन था और उसके मन में डिफरेंट तरह के ख्याल आ रहे थे, यानी वो इधर उधर की बातें सोच रहा था। ऑल्दो ही वॉज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम ओनली ए फोर नाइट अवे, ही कुडंट रेजिस्ट वन आर टू मोर गेम्स बिफोर गेटिंग डाउन टू हिस्ट्री एंड अलजेब्रा एंड अदर अनएक्साइटिंग थिंग्स। यानी वो सोच रहा था, जो यहाँ पर रणजी जो लड़का होता है उसका एग्ज़ाम होता है, तो वो सोच रहा था कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँ, जो कि उसका कल होने वाला था एग्ज़ाम, या मैं जाकर खेल खेलूँ, कोई गेम खेलूँ। तो वो एक गेम खेलने से वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, पहले हिस्ट्री पढ़ता हूँ, उसके बाद से अलजेब्रा, ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगा, इसके बाद से मैं हो सकता है गेम खेलूँ, ठीक है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट थे उनको अनएक्साइटिंग बोल रहा था, मतलब कि उसको बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में। आगे देखते हैं। आई एम गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप, ही टोल्ड हिज मदर। इसके वजह से जो रणजी लड़का रहता है वो अपने मम्मी से कहता है, मम्मी मैं एक टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ बड़े होकर। ऑफ वॉट यूज विल मैथ्स टू बी टू मी, ये कहता है कि अगर जो मैथ वगैरह पढ़ रहा हूँ ये मेरे किस काम के हैं, मैं बड़ा होकर एक टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। यू नेवर नो, सैड हिज मदर, हु हैपेंड टू बी मोर अ क्रिकेट फैन देन हिज फादर। यानी उसकी मम्मी कहती हैं, तुमको कुछ भी नहीं पता है, यानी जो तुम्हारे पापा हैं वो तुमसे बड़े भी क्या हैं, क्रिकेट के फैन हैं। यू माइट नीड मैथ्स टू वर्क आउट योर गेटिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज। यानी उसकी मम्मी समझाती हैं कि अगर तुम मैथ नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे बैटिंग एवरेज जो होते हैं वो कैसे निकालोगे, या किस तरह से कैलकुलेट करोगे बैटिंग एवरेज निकालने के लिए, इसमें तो मैथ का यूज होता है। एंड एज फॉर द हिस्ट्री, और हिस्ट्री के लिए, वुडंट यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्या तुमको अच्छा नहीं लगेगा एक हिस्ट्री का पार्ट बनने में। फेमस क्रिकेटर मेक हिस्ट्री, जो फेमस क्रिकेटर होते क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं, तो इसके लिए भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मेकिंग हिस्ट्री इज ऑल राइट, सैड रणजी, एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट ऑन विच आई मेक इट। इसके बाद से कहता है, मेकिंग हिस्ट्री, चलो ठीक है ऐसा कहता है रणजी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कब मैं हिस्ट्री या इतिहास बनाऊंगा। यानी इस तरह की जो बातें हैं वो अपने मम्मी से लगातार करते जा रहा है। रणजी मेट इज फ्रेंड एंड टीम मेट्स इन द पार्क। अब इसके बाद से क्या हुआ, रणजी जो होता है अपने दोस्तों से मिलता है पार्क में, और उसके टीम वाले जो होते हैं खेलने के लिए वो भी मिलते हैं। द ग्रास वॉज स्टील वेट विथ ड्यू, जो घास थे जहाँ फील्ड था वो भी अभी क्या थे, गीले थे, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे वोस पड़े हुए थे। द सन ओनली जस्ट राइजिंग बिहाइंड द डिस्टेंट हिल्स, और जो सूरज था वो अभी जस्ट उग रहा था, मतलब कि जो रणजी है ना वो सुबह ही पहुँच जाते हैं सब खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। द पार्क वॉज फुल ऑफ फ्लावर बेड्स, जो वो पार्क थी जहाँ पर वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे उसमें ढेर सारे कलर के फूल भी मौजूद थे। एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर स्मॉलर चिल्ड्रंस, स्विंग स्लाइड्स क्या होता है, जो बच्चे इस तरह का होता है इस पर स्लाइड करते हैं, नीचे आकर उतरते हैं, फिर से उस पर चढ़ते हैं, फिर से स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो जो स्विंग स्लाइड भी उस पार्क में मौजूद थी, जो कि छोटे बच्चों के लिए वो होता है। द बॉय वुड हैव टू प्ले ऑन द रिवर बैंक अगेंस्ट देयर राइवल्स द विलेज बॉय, ठीक है। जो लड़के होते थे कहाँ पे खेलते थे, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे खेलते थे। रणजी डिड नॉट हैव द फुल टीम दैट मॉर्निंग, उस दिन क्या था, रणजी के पास उसके सारे लोग टीम के मौजूद नहीं थे। बट ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर ए फ्रेंडली मैच, लेकिन वो सिर्फ सोच रहा था कि हम लोग सिर्फ झूठ मूठ में वैसे ही मैच खेलेंगे। द रियली इंपॉर्टेंट गेम्स वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग संडे, ये कहता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम होगा जो भी हम लोग खेलेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा गेम हम लोग खेलेंगे इस संडे को, क्योंकि इसका एक छुट्टी मिला था ना, इसलिए वो सोचता है।
The village team was quite good because the boy lived near each other and practiced a lot together. जो गांव के रहने वाले लड़के थे उनकी जो क्रिकेट टीम थी वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि वे हमेशा आपस में मिलते जुलते रहते थे और हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे. वेयर इज रंजीत टीम वॉज ड्रॉन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द टाउन. लेकिन जो रंजीत के टीम वाले थे ना वो कहाँ से आते थे, ढेर तरह के जो टाउन में जो बच्चे होते थे उनको इकट्ठे करके वो टीम बनाकर लाता था खेलने के लिए. देयर वॉज अ बैंक बेकर्स बॉय नाथू. नाथू नाम का एक बेकर्स बॉय होता था. द टेलर्स सन और उसमें एक कपड़ा सिलने वाला का बेटा होता था खेलने के लिए क्रिकेट. सुंदर द पोस्ट मास्टर सन्स प्रेम, जो पोस्ट मास्टर जो होता है उसका बेटे का नाम होता है प्रेम. एंड द बैंक मैनेजर्स सन अनिल, जो अनिल था उसके जो पापा थे बैंक मैनेजर थे. मतलब कि जो टाउन से आते थे ना, मतलब किसी ने किसी के बेटे होते थे और वे उनके जो पापा होते थे कुछ कुछ ना कुछ करते थे. दिज वर सम ऑफ द बेटर प्लेयर्स, ये सारे के सारे जो थे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे. समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न अप फॉर अ गेम्स. कभी कभार क्या होते थे, उसके जो फादर होते थे जो टाउन के रहने वाले टीम थी उनके पिताजी भी वहाँ पर खेलने के लिए आ जाते थे. द फादर वर नॉट. अब हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग को, ठीक है. रजिस्ट का मतलब होता है वेन यू डूइंग समथिंग यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट. रजिस्ट का मतलब कि कुछ आप कर रहे हो लेकिन उस काम को करने से अपने आप को रोकना, उसको बोलते हैं रजिस्ट. अलजेब्रा का मतलब होता है अ टाइप ऑफ मैथ्स, एक तरह का मैथ्स होता है उसको अलजेब्रा बोलते हैं. मेक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, डू समथिंग दैट विल बी रिमेंबर्ड, यानी कुछ ऐसा करना जो ज़्यादा समय तक लोग याद रखें उसको बोलते हैं मेक हिस्ट्री. ड्रॉन फ्रॉम का मतलब होता है चूजन फ्रॉम, यानी किसी जगह से चूज करना. क्या होता है, वेरी गुड बट यू कूडंट टेल देम दैट आफ्टर ऑल दे हेल्प टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल्स एंड पॉकेट मनी. यानी जो टाउन के रहने वाले थे बच्चे उनके जो पापा होते थे कभी कभार वो फील्ड में खेलने के लिए आ जाते थे और जो बच्चे थे उनको मना भी नहीं कर पाते क्योंकि जो उनके पापा थे वही लोग बैट और बॉल्स देते थे गेंद को खेलने के लिए, ठीक है, या क्रिकेट खेलने के लिए. अ रेगुलर इंस्पेक्टर ऑफ दीज मैचेस वॉज नकू द क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द रिवर. नकू नाम का एक क्रोकोडाइल होता है, घड़ियाल होता है, जो उसी नदी में रहता है जिस नदी के किनारे लोग ये सारे जो टीम के लोग क्रिकेट खेलते हैं. तो वो क्या करता था, रेगुलर इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि जो हमेशा लगातार देखता रहता है. जो नकू होता है ना क्रोकोडाइल, वो हमेशा मैच खेलते हुए बच्चों को देखता रहता था. नकू मीन्स नोइजी, नकू का मतलब नोइजी जो ज़्यादातर नोजी का मतलब कि हम बोल सकते हैं जिनका नाक ज़्यादातर बहता है उसको बोलते हैं नोजी. बट द विलेज बॉय वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नकू जी. लेकिन जो गांव के लड़के रहते थे उस घड़ियाल को या क्रोकोडाइल को नकू जी कहकर बुलाते थे. ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट. स्नाउट का मतलब होता है नोज एंड माउथ, यानी लॉन्ग नोज मतलब काफ़ी लंबा नाक था. आप लोग जानते हैं क्रोकोडाइल का ज़्यादा लंबा नाक होता है. रोज ऑफ अगली लुकिंग टीथ, और उसके जो दांत थे काफ़ी भद्दे या खराब दिखते थे. सम ऑफ देम बैडली इन द नीड ऑफ फीलिंग्स, और कुछ दांत ऐसे थे कि उसमें काफ़ी सड़े हुए थे, ठीक है, जो क्रोकोडाइल के दांत थे. एंड अ पावरफुल स्केली टेल, और उसके जो पूंछ होते थे वो काफ़ी स्केरी यानी डरावनी होते थे, जो क्रोकोडाइल के पूंछ होते थे. ही वॉज नियरली 15 feet लॉन्ग, वो लगभग 15 feet का था जो क्रोकोडाइल था. बट यू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम, लेकिन तुम उस क्रोकोडाइल को ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकते थे. ही स्वाम लो इन द वाटर एंड ग्लिडर स्मूथली थ्रू द टाल ग्रास नियर द रिवर बैंक टू बास्क इन द सन. वो क्या होता था, कभी कभार पानी के अंदर नीचे चला जाता था, उसमें तैरता था, और कभी कभार घास के नीचे से छुपकर वो देखता था, और कभी कभार वो उस नदी से निकलकर अपने आप को धूप सेकने के लिए बाहर आ जाता था. ही डिड नॉट केयर ऑफ पीपल, वो लोगों से नहीं डरता था, स्पेशली क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते थे. ही डिसलाइक द नॉइज द मेड, और वो काफ़ी उसको बुरा लगता था जब बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे वो आवाज़ करते थे या शोरगुल मचाते थे. फ्राइटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरेस्टिंग मेन्यू, यानी जो चिड़िया या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते थे उस हम बोल सकते हैं उस क्रोकोडाइल के पास आते थे, और क्रोकोडाइल जो था वो उसको शिकार बनाना चाहता था, लेकिन जो क्रिकेटर थे ना वो हल्ला करते थे या शोर मचाते थे जिसके वजह से जो चिड़िया वगैरह थी वहाँ से उड़ जाती थी और जो क्रोकोडाइल था उनको पकड़कर खा नहीं पाता था, इसलिए वो काफ़ी
गुस्सा करता था एंड इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल्स प्लॉपिंग अराउंड इन द सलो वेयर ही लाइक टू रेस्ट। और ये काफ़ी उसको और बुरा लगता था कि जो क्रिकेट खेलते थे कभी कभार जो क्रोकोडाइल होता था वो कभी कभार बाहर निकल कर घास में वो अपने आप को धूप सेक रहा होता था, तो वहाँ पर भी जो क्रिकेटर का जो बॉल था वो चला जाता था, जिससे कि उसको काफ़ी बुरा लगता था। ठीक है, वो चौंक जाता था। इसके बाद से क्या होता है, वंस नकू क्रेप्ट क्वाइट क्लोज टू द बैंक मैनेजर हु वाज रेस्टिंग अगेंस्ट वन ऑफ द ट्री नियर द रिवर बैंक। एक बार क्या हुआ, धीरे धीरे जो क्रोकोडाइल होता है वो जाता है किसके पास, बैंक मैनेजर के पास, जो कि वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को अगर इमेज में दिखा दूँ तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर जो बैंक मैनेजर है वो यहाँ पर है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं क्रोकोडाइल की तो वो यहाँ पर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद से क्या होता है, द बैंक मैनेजर वॉज पोर्टली जेंटलमैन। जो बैंक मैनेजर था काफ़ी अच्छा इंसान था एंड नकू सीम टू थिंक ही वुड मेक अ गुड मील। और नकू सोच रहा था कि मैं इस बैंक मैनेजर को आज ही खाऊंगा। जस्ट देन अ पार्टी ऑफ विलेजर्स हैड कम अलोंग बीटिंग ड्रम्स फॉर द वेडिंग प्रोसीजंस। उसके पास से कुछ देर बाद ही देखता है नकू वहाँ से क्या होता है, बैंड बारात लेके लोग गांव से गुजर रहे थे किसी शादी के लिए। नकू रिटायर्ड टू द मडी वाटर ऑफ द रिवर। अब नकू क्या होता है, डरकर वो मडी यानी वो कचड़े में चला जाता है, मतलब कि वो काफ़ी मडी वाटर में चला जाता है। ही वॉज अ लिटिल टायर्ड ऑफ सोलिंग फ्रॉक्स। और वो काफ़ी थक गया था मेढक खाते खाते, इल्स एंड हेरोन्स। ठीक है, इल्स मछली होती है एंड हेरोन्स क्या होते हैं, जो हम बोल सकते हैं बगुला वगैरह होते हैं उनको। दैट जूसी बैंक मैनेजर वुड मेक ए नाइस चेंज ही वुड ग्रैब हिम वन डे। और वो सोचने लगा कि जो बैंक मैनेजर है मैं उसको एक दिन अपने अपना नेवाला बनाऊंगा और इसको काफ़ी ये जूसी भी होगा। ठीक है, काफ़ी टेस्टी सुनता है, सोचता है कि ये काफ़ी टेस्टी होगा। द विलेजर्स बॉय वर अ लिटिल ओल्डर देन रंजी एंड हिज फ्रेंड्स। जो गांव के रहने वाले थे वो थोड़े ज़्यादा बड़े थे किसके प्रति, रंजी के टीम से ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे थे। ठीक है, बट दे डिड नॉट ब्रिंग देयर फादर्स अलोंग। लेकिन वो सब अपने पापा को साथ नहीं लेकर आते थे। द गेम मेड वेरी लिटिल सेंस टू ओल्डर विलेजर्स, क्योंकि जो वहाँ गांव के रहने वाले थे वो गेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझते थे। एंड वेन बॉल्स कम फ्लाइंग अक्रॉस फील्ड टू लैंड इन द मिल्क पेल्स ऑफ कुकिंग पॉट्स दे वर अनॉयड एज द क्रोकोडाइल। यानी जब कभी वे सब बच्चे क्रिकेट खेलते और उनका जो बॉल होता था वो उनका नुकसान कर देता था, कभी कभार क्या होता था उनके जो मिल्क रखे होते थे, दूध रखे हुए होते थे घड़ा, या कभी खाना बना के घड़े में रखे होते थे, उनका जो घड़ा होता था वो टूट जाता था और वो जो गांव वाले होते थे काफ़ी गुस्से में हो जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि बच्चे हैं चलो गेम खेलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। टूडे द मेन वर बिजी इन द फील्ड। यानी आज क्या हो रहा था, जितने भी लोग थे वो अपने खेतों में काम करने में बिजी थे। एंड नकू द क्रोकोडाइल वॉज वॉलोइंग इन द मड बिहाइंड द स्क्रीन ऑफ रीड्स एंड वाटर लिलीज। वॉलोइंग का मतलब होता है लाई एंड रोल अराउंड इन द वाटर और मड, यानी अपने आप को उसमें रोल करना, ठीक है, घुमाना इधर उधर जाना। तो जो वो क्रोकोडाइल था वो क्या हो रहा था, रेड एंड वाटर लिलीज, मतलब उसमें कुछ फूल वगैरह थे, कुछ पौधे थे, उसके पीछे क्या हो रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था। हाउ ब्यूटिफुल एंड इनोसेंट दोज लिलीज लुक्ड, ओनली शार्प आईज वुड हैव नोटिस नकूज लॉन्ग स्नाउट थ्रस्टिंग अबव द ब्रॉड फ्लैट लिप्स ऑफ द लिलीज। यानी कुछ ही लोग उस नकू को देख पाते हैं क्योंकि उसका जो पूरा शरीर था वो किसी पौधे से हाइड था, ठीक है, यानी छिपा हुआ था, इसीलिए कोई उसको अगर ध्यान से देखते तभी उसको उस नदी में देख पाते। हिज आइज वर स्लिट्स, स्लिट्स का मतलब होता है लॉन्ग नैरो ओपनिंग, और उसका जो आँख थे काफ़ी लंबा था, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर नैरो ओपनिंग था। ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था। रंजी स्ट्रक द बॉल हार्ड एंड हाई स्प्लैश इट फेल इन टू द रिवर अबाउट 30 feet फ्रॉम द नकुले। यानी एक बच्चा होता रहा है जो क्रिकेट खेलता है तभी वो क्या करता है, क्रिकेट के बॉल को मारता है और जो बॉल होता है वो क्रोकोडाइल के पास यानी 20 कदम के पहले ही वो बॉल होता है गिर जाता है उसके पास। विलेज बॉय एंड टाउन बॉयज डैश्ड इनटू द शॉलो वाटर टू लुक फॉर द बॉल।
अब जो दोनों टीम होते हैं दौड़ते दौड़ते जाते हैं उस बॉल को ढूंढने के लिए, टू मैनी ऑफ देम, ज़्यादातर उसमें से क्राउड मेड नक्कू नर्वस, उसमें ज़्यादातर क्या कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे जो बच्चे होते थे, और इससे क्या होता है जो नक्कू होता है क्रोकोडाइल होता है नर्वस हो जाता है, यानी डर जाता है, ही स्लीड अवे, वो दूर चला जाता है, क्रॉस द रिवर टू द अपोजिट बैंक एंड सल्ट, वो क्या करता है उस नदी को पार करके दूसरे साइड चला जाता है एंड सल्ट, सल्ट का मतलब होता है साइलेंटली यानी चुपके से। इसके बाद से क्या होता है देखते हम लोग, एज इट वॉज वार्म डे, जैसा कि जो दिन था काफ़ी धूप हुआ था इस दिन, नोबडी सीम टू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द वाटर, कोई भी बच्चा पानी से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि काफ़ी गर्मी के दिन थी, सर्वल बॉयज थ्रू ऑफ देयर क्लॉथ्स डिसाइडिंग दैट इट वॉज बेटर डे फॉर स्विमिंग देन फॉर अ क्रिकेट। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं अपने कपड़े निकालते हैं और सोचते हैं कि क्रिकेट खेलने से अच्छा है कि मैं जाकर नदी में थोड़ा सा नहा लूँ। नकुस माउथ वाटर्ड एज द वाज दोज बियर लिम्स स्प्लैशिंग अबाउट, यानी जो नकू यानी जो क्रोकोडाइल होता है दूर से देखता है जो बच्चे नदी में खेल रहे होते हैं, और वो देखते हुए उसके जो मुंह होते हैं उसमें पानी आ जाता है कि मतलब कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितने जूसी होंगे अगर मैं इसको खाऊंगा। वी आर सपोज टू बी प्रैक्टिसिंग सैड रणजी, ठीक है, रणजी कहता है कि समझ लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हु टुक हिज क्रिकेट सीरियसली, वी वॉन्ट विन नेक्स्ट वीक, और वो कहता है कि हम लोग इस बार क्रिकेट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए हैं। वी वॉन्ट विन नेक्स्ट वीक, हम लोग जानते हैं कि अगले जो वीक है हम लोग नहीं जीतेंगे। ओ वी विल विन इजली, इसके बाद से फिर से कहता है अनिल कहता है कि ओ कोई बात नहीं हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। इसके बाद से क्या होता है, ज्वाइनिंग हिम ऑन द रिवर बैंक माई फादर से ही इज गोइंग टू प्ले, द लास्ट टाइम ही प्लेड वी लॉस्ट साइड रणजी, यानी इसके बाद से रणजी कहता है कि जो मेरे पिता हैं वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं खेलने, ठीक है, कि वो जा रहा है खेलने, कौन, हमारे बच्चे, द लास्ट टाइम ही प्लेड, लास्ट टाइम वो खेले थे जो पापा थे, वी लॉस्ट, हम लोग हार गए थे, ही मेड टू रन्स एंड फॉरगेट टू फील्ड, इसके बाद से वो दो ही रन बनाए उसके बाद से वो फील्डिंग भी उन्होंने नहीं किया, ऐसे वो अपने पापा के बारे में बोल रहा था, ठीक है, कि जो पापा अगर हमारे आते हैं तो वो खेलते हैं और अच्छा सा रन भी नहीं बना पाते और फील्डिंग वगैरह भी नहीं करते और चले जाते हैं घर। तो ये है आपका वर्ड मीनिंग, तो देखते हैं इसको, वॉलो का मतलब होता है लाई एंड रोल, यानी लेटना और इधर उधर रोल करना, थ्रस्टिंग का मतलब होता है स्टिकिंग आउट, स्लिट का मतलब होता है लॉन्ग नैरो ओपनिंग, यानी पतला सा, मतलब कि अगर नैरो ओपनिंग का मतलब एक पतला सा ओपनिंग जगह, डस्ट का मतलब मूव क्विकली, मतलब बहुत तेज घूमना या हम बोल सकते हैं मूव करना, सॉलो का मतलब होता है नॉट डीप, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं, सल का मतलब होता है बी साइलेंट एंड लुक अनहैप्पी, यानी बी साइलेंट का मतलब हो जाएगा कि आपको चुप रहना और लुक अनहैप्पी का मतलब दुखी दिखना, सल का मतलब होता है। आउट ऑफ फॉर्म सैड अनिल इवन लोयल टू हिज फादर द बैंक मैनेजर, यानी बैंक मैनेजर का बेटा कहता है कि मेरे जो पापा हैं क्या है आउट ऑफ फॉर्म, यानी वो आउट ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ प्लेयर इज हिज नॉट प्लेइंग गुड, मतलब जब प्लेयर अच्छा सा नहीं खेलता उसको बोलते हैं आउट ऑफ फॉर्म। तो कहते हैं जो मेरे पापा थे, ठीक है, वो मैनेजर का लड़का कहता है कि जो मेरे पापा थे वो अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, वो आउट ऑफ फॉर्म थे। शेरू द कैप्टन ऑफ द विलेज टीम, जो शेरू नाम का लड़का होता है वो कैप्टन होता है विलेज टीम यानी गांव के टीम की तरफ से, ज्वाइन देम, उसके बाद से उनके साथ फिर से कहता है माई कजिन्स फ्रॉम डेली इज गोइंग टू प्ले फॉर अस, वो कहता है मेरे जो चाचा के लड़का है वो मेरे साथ नेक्स्ट वीक हो सकता है खेले, ही मेड हंड्रेड इन वन ऑफ द मैचेस देयर, और वहाँ पर कहता है कि जो मेरा कजिन्स है उसने जहाँ पर वो रहता है, ठीक है, दिल्ली में, वहाँ पर वो एक मैच में 100 रन मारा हुआ था, ही वॉन्ट मेक ए हंड्रेड्स ऑन दिस विकेट्स सैंड रणजी, रणजी कहता है अगर इस फील्ड पे वो खेलेगा तो 100 रन नहीं बना पाएगा, इट इज़ स्लो एट वन इंड एंड फास्ट एट अदर, वो कहता है कि एक इंड से क्या है कि जो पहले खेलते हैं वो क्या है काफ़ी तेज रन मार पाते हैं लेकिन जो दूसरे बारी में खेलते हैं वो स्लो रन मार पाते हैं। कैन आई ब्रिंग माई फादर आस्क नाथू द बैंकर बेकर सन, बेकर का सन कहता है कि क्या मैं अपने पापा को ला सकता हूँ अपने साथ, कैन ही प्ले, क्या वो खेल सकते हैं अगर मैं उनको लाऊं? देखते हैं, नॉट टू वेल बट ही विल ब्रिंग अलॉन्ग ए बास्केट ऑफ बिस्किट बंस एंड पक्रोस, इसके बाद से कहता है कि वो अच्छे से नहीं खेल पाएंगे लेकिन हमारे लिए कम से कम वो बिस्किट वगैरह बंस वगैरह भी खाने के लिए लेके आएंगे, देन ही कैन प्ले सैड रणजी, रणजी कहता है हाँ चलो ठीक है तब वो खेल सकते हैं अगर हम लोगों के खाने के लिए बिस्किट और बंस वगैरह लेके आएंगे। ऑलवेज क्यूक टू मेक अप हिज माइंड, नो वंडर ही वॉज द टीम कैप्टन, इफ देयर इज टू मैनी फॉर अस वी विल मेक हिम 12th मैन,
यानी ये कहता है कोई बात नहीं अपने पापा के लेकर, अगर 12-11 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे टीम में तो मैं उनको 12वें नंबर पर खिला लूँगा। द बॉल कुड नॉट बी फाउंड एंड एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क देयर स्पेयर बॉल द प्रैक्टिस सेशन वॉज डिक्लेयर ओवर। यानी इसके बाद से क्या हुआ कि वो अभी भी लोग बॉल को ढूंढ रहे थे और जो बॉल था वो अभी भी नहीं मिल पा रहा था और जो वो नहाना भी बंद कर दिया। माई ग्रैंड फादर हैज़ प्रोमिस टू मी अ न्यू बॉल सैड लिटिल मनी। मनी जो होता है वो कहता है कि जो मेरे ग्रैंड फादर है उन्होंने कहा था कि मुझे एक बॉल खरीद के वो देंगे फ्रॉम द विलेज टीम। ही बॉल ट्रिकी लेग्स ब्रिक्स विच बाउंस टू द ऑफ साइड। वो कहते हैं कि जो फ्रॉम द विलेज टीम से वो कहता है कि ही बॉल ट्रिकी, जो ग्रैंड फादर होते हैं काफ़ी अच्छा वो बॉलिंग करते हैं। लेग ब्रेक का मतलब होता है अ टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग, यानी स्पिन बॉलिंग करते हैं और वो ऑफ साइड से क्या करते हैं बाउंस भी कराते हैं मेरे ग्रैंड फादर। डज ही वॉन्ट टू प्ले टू, आस्क रणजी। रणजी पूछता है क्या वो भी खेलना चाहते हैं, तो वो कहता है नो ऑफकोर्स नॉट ही इज़ नियरली 80। यानी वो कहता है नहीं वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो 80 साल के होने वाले हैं या 80 साल के हो गए हैं। दैट सेटल देन सेट रणजी। रणजी कहता था तो सेटल हो गए होंगे। हाँ वी विल ऑल मीट हियर एट 9 o'clock नेक्स्ट संडे 50 overs अ साइड। इसके बाद से रणजी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वीक यानी जो नेक्स्ट संडे होगा हम लोग मिलेंगे और ये जो मैच होगा वो 50 overs अ साइड, मतलब कि 50 over यानी 50-50 over के मैच होंगे। दे ब्रोक अप सेरू एंड हिज टीम्स वॉन्डरिंग बैक टू रेस वाइल रणजी एंड हिज फ्रेंड्स गॉट ऑन देयर बाइसिकल 2 or 3 बाइसिकल सिंस नॉट एवरीवन हैड वन एंड साइकिल बैक टू टाउन। इसके बाद से क्या होता है सारे लोग अपने अपने साइकिल पर बैठते हैं, किसी के पास साइकिल नहीं होता दो से तीन लोग बैठ जाते हैं और उसके पास से क्या होता है वो अपने गांव की तरफ और विलेज की तरफ या टाउन की तरफ वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। नकुल लेफ्ट इन द पीस एट लास्ट रिटर्न टू हिज फेवरेट साइड ऑफ द रिवर एंड क्रॉल्ड सम वे अप द रिवर बैंक एज इफ इट इंस्पेक्ट द विकेट्स। इसके बाद से क्या होता है जो नक्कू जो क्रोकोडाइल होता है जो डरा हुआ रहता है वो क्या होता है अब लौट के दूसरे साइड से वो एक साइड आ जाता है। इट हैड बीन वार्म स्मूथ बाय द प्लेयर्स एंड लुक्ड लाइक अ गुड प्लेस ऑफ रिलैक्स। नक्कू कहता है कि ये जो प्लेयर थे अभी यहाँ से खेल के गए हैं काफ़ी वार्म हो गया, मतलब कि ये काफ़ी स्मूथ हो गया जगह, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। नक्कू मूव्ड क्रॉस इट ही फेल्ट प्लीजेंटली ड्रॉसी इन द वार्म सन। इसके बाद से फिर से क्या होता है जो नक्कू होता है ये वाला मैं दिखा दूँ आपको, ये जो क्रोकोडाइल होता है फिर से जाता है आराम करता है वहाँ पे रिलैक्स करता है एंड क्या होता है सो ही क्लोज हिज आइज फॉर द लिटिल नैप। इसके बाद से वो अपने आप को बंद करता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सोने के लिए। इट वॉज ए गुड टू बी आउट ऑफ द वाटर फॉर अ वाइल। वो कहता है कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैं कुछ टाइम के लिए पानी से बाहर रहा। तो ये थी पूरी स्टोरी। इसमें क्या होता है कुछ फ्रेंड होते हैं, दो टीम होती हैं जो उनका स्कूल बंद होता है तो वो लोग क्या करते हैं संडे को मैच खेलने के लिए आते हैं नदी के किनारे और वो सारे लोग मैच खेलते हैं, तभी क्या होता है बॉल उनकी जाकर नदी में गिर जाती है और जो बॉल होती है खो जाती है। वो लोग ढूंढने जाते हैं बट नहीं मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है जितने भी चीज़ें होती है जो नक्कू द क्रोकोडाइल होता है एक तरह का वो देखता रहता है उन सारे चीज़ों को और उसके मुँह में पानी आता है तब देखता है कि जो बच्चे हैं नदी में नहा रहे हैं। और इसके बाद से क्या होता है जब बॉल नहीं मिलता है तो बच्चे क्या होते हैं वो पानी से निकलते सब कपड़े वगैरह पहनते और वो कहते हैं कि चलो ठीक है इस बार नहीं तो नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट संडे वो लोग साथ में खेलेंगे और हर एक मैच जो होगा 50-50 over का होगा। इसके बाद से क्या होता है वो सब अपने साइकिल से घर को लौट जाते हैं और जो नक्कू द क्रोकोडाइल होता है वो दूसरे साइड चला गया हो रहता है और इस साइड पर आ चला आता है और जो फील्ड एरिया थी वहाँ पर वो क्या करता है थोड़ा समय सोता है और रिलैक्स करता है। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।